हेलो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम बात करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो 2021 में जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्वेश्चन तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इस बार भी लग जाए लग सकते हैं तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन ए डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद स्टेबल एग्जाम्पल्स क्रोमेटोग्राफी आपको पता ही है कि एक सेपरेशन टेक्निक है और हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं तो यहाँ हम देखें क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाई पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए स्टेशनरी फेज टिपिकली दैम्पल इज सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस फेज एंड इज सेपरेटेड और आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन हाउ इट फ्लोज थ्रू और अराउंड ए लिक्विड और सॉलिड फेज़ यहाँ हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज़ पर हम जो है सैंपल को रन कराते हैं तो और वो सेपरेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है कि सेपरेशन टेक्निक है यहाँ पे हम मिक्सचर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं यहाँ हम देखें कि दो फेजेस इसमें होते हैं मोबाइल फ़ेज़ और स्टेशनरी फ़ेज़ मोबाइल फ़ेज़ क्या होता है द फ्लूड इन विच द मिक्सर टू बी सेपरेट इट इज़ डिज़ोल्व इज़ नोन एज द मोबाइल फेज़ इस हम क्या करते हैं uh, जो सेपरेट करना है मोबाइल फ़ेज के थ्रू हम सेपरेट करते हैं दूसरा है स्टेशनरी फेज द फेज़ ओवर विच द मोबाइल फेज इज़ पासड इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज़ यहाँ हम कुछ और भी कुछ टाइप्स देखने कर्मेटोग्राफी के हौसला है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये क्या है टाइप्स ऑफ कर्मेटोग्राफी जैसे कि पेपर कर्मेटोग्राफी आई एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कोलम क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एच पी एल सी एंड एच पी टी एल सी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रोमेटोग्राफी के नेक्स्ट हम देखें सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्क्रिमिनेट करना है डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं दे आर कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी एंड दे आर यूटिलाइज एज़ फूड बाई ह्यूमन्स ह्यूमन बींग और एनिमल्स क्या करते हैं इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को एज ए फूड यूज़ करते हैं ये प्लांट बॉडी के कोर कंपाउंड्स होते हैं बेसिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिक मटेरियल होते हैं जिनके बिना प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता प्लांट जीवित नहीं रह सकता इनके बिना तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि इसमें अमीनो एसिड्स लैक्टिक एसिड्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स या इसके बारे में एक बात और भी है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं किए जाते इनमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और बल्कि ये जो है प्लांट बॉडी के कोर कंपाउंड्स होते हैं वहीं हम देखें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस जो सेकंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको प्लांट्स जो है अपनी डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं और प्राइम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज एज मेडिसिन दे हैव फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस दे हैव मेडिसिनल इंपॉर्टेंस एंड दे आर यूज एज मेडिसिन बाई ह्यूमन बीइंग्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इसमें एग्जाम्पल जैसे स्टीरोड्स एल्कलॉइड्स इसेंशियल ऑयल्स फिनॉलिक टर्पिनयड्स एट्सट्रा तो ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखें डिफ्रेंशिएट टी एल सी एंड एच पी टी एल सी थिन लेयर कर्मेटोग्राफी और एच पी टी एल सी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर कर्मेटोग्राफी को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ क्या है कि टी एल सी और थिन लेयर क्रमेटोग्राफी इज ए बेसिक केमिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ शीट ऑफ ग्लास प्लास्टिक और पेपर

इस पर जो है लिक्विड फेज को रन कराया जाता है इसमें जो कि जिसमें कंपोनेंट्स को मिक्सचर को सेपरेट आउट करना होता है तो यहाँ हम देखें इसमें कि ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सिलिका जल जी है जो कोटिंग मटेरियल जो है जो एब्जॉर्बेंट है उसको हम कोट करते हैं आ, प्लेट्स पर किसी एल्यूमिनियम प्लेट्स पर या ग्लास प्लेट्स पर ग्लास शीट पर उसको कोट करते हैं कोट करने के बाद उसको प्लेट को हम ड्राई करते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट एयर ओवन में रखते हैं आधा एक घंटे के लिए हम उसको हम आधा घंटे के लिए तीस मिनट के लिए जिससे कि प्लेट का एक्टिवेशन होता है उसमें क्या होता है इसमें जितना मॉइस्चर कंटेंट है जो वाटर है वो निकल जाता है रिमूव हो जाता है और उसमें फिर प्लेट एक्टिवेट हो जाती है अब हम इसको जब यूज़ करेंगे तो इसमें कैपिलरीशन के द्वारा कपिली कैपिल रिएक्शन के थ्रू जो है सेपरेशन होता है तो यहाँ पे जो है इसमें यथिल एयरमेटोग्राफी का हुआ जो है और इन प्लेट्स को थिन लेयर प्लेट्स कहते हैं क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स कहते हैं वहीं एच पी टी एल सी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और जो है ये क्या है इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये क्या है कि जो टी एल सी है वो मैनुअल है बिल्कुल उसमें ग्लास प्लेट को हमने जो कोट किया और उसमें हमने सेपरेशन करते हैं जबकि एच पी टी एल सी जो है वो एक जो है एडवांस्ड फॉर्म है टी एल सी की ये एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू थ्रू होता है और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो यहाँ रिजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी ऑफ एच बी टी आर वेरी हाई मोस्ट स्टेप्स ऑफ दिस टेक्निक कैन बी ऑटो ऑटोमेटेड यहीं हम देखें कि राइट केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्वेश्चन जो है इसमें का जो कुछ केमिकल टेस्ट पूछे गए हैं इसमें जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं इसमें सबसे पहले है रेमॉन् टेस्ट रेमॉन्स टेस्ट में क्या करते हैं टू द ड्रग एट फ्यू एम एल ऑफ फाइव फिफ्टी परसेंट इथेनॉल एंड पॉइंट वन एम एल ऑफ वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ एम डाईनाइट्रोबेजी इन इथेनॉ टू दिस सोल्यूशन एट टू टू थ्री ड्रॉप ऑफ ट्वेंटी परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलूशन वायल्ट कलर अपियर्स दिस इज ड्यू टू प्रजेंस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पर क्या हम क्या करते हैं ड्रग के अंदर जो है पचास परसेंट इथेनॉल कुछ एम एल हम उसमें ऐड करते हैं और उसमें पॉइंट वन एम एल वन परसेंट सोडियम एम डाइनाइट्रोबेंजीन इथेनॉल इसको यू इसको ऐड करते हैं और इससे क्या होता है कि सोल्यूशन में हम फिर से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन की दो से तीन ड्रॉप्स उसमें हम ऐड करते हैं तो वायलेट कलर आता है तो ये रेमन्ड्स टेस्ट है जो कि कार्डे ग्लाकोसाइड्स के लिए है दूसरा टेस्ट इसमें है लीगल टेस्ट लीगल टेस्ट में क्या करते हैं कि टू द ड्रग एड फ्यू एम ऑफ पिरीडीन एंड टू एम ऑफ़ टू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रोप्रोसाइड एंड ए ड्रॉप ऑफ़ ट्वेंटी परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अ डीप रेड कलर इज़ प्रोड्यूस्ड यहाँ पे क्या करते हैं ड्रग में कुछ एम एल प्रोटीन की ऐड करते हैं कुछ दो ड्रॉप इसमें नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं और एक ड्रॉप हम इसमें डालते हैं ट्वेंटी परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की तो डीप रेड कलर आता है ये लीगल टेस्ट है इसी के बाद हम देखें नेक्स्ट टेस्ट है क्लियर क्लियरिटेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोज शुगर यहाँ पर ड्रग हम लेते हैं उसमें हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड एसेट प्लस फेरिक्लोराइड प्लस एच टू एच फोर डालते हैं तो रेडिश ब्राउन रिंग बिटवीन टू लेयर्स ये बनता है तो ये क्लियर क्लियरिंग टेस्ट है जो जी जो कि डिजिटॉक्शोज शुगर के लिए है देन बालजेज टेस्ट थिक सेक्शन ऑफ डिजिटलिस से लीफ कॉमट्रीट करते हैं सोडियम पिक्रेड सोल्यूशन से तो येलो ऑरेंज येलो टू ऑरेंज कलर आता है ये है आपका बालजेट टेस्ट ये कुछ टेस्ट हैं जो कि कार्डिक्लाइकोसाइड्स के लिए हैं इसमें आप एक बार देख रहे हैं कि जो है सबसे पहले रेवंस टेस्ट लीगल टेस्ट, टेस्टी टेस्ट बालिया टेस्ट और भी कुछ टेस्ट हैं जैसे केडी टेस्ट वगैरह है इसमें और भी टेस्ट हैं तो ये है कार्डियोकोसाइड्स के लिए कुछ टेस्ट हैं नेक्स्ट हम देखें डिफ्रेंशिएट हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस टेनिस्स विद एग्जाम्पल्स ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें पिछली बार तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स क्या होते हैं हाइड्रो Hydro, हाइड्रोलाइजेबल से ना, नाम से इंडिकेट होता है कि हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो टेने, ये टनस एसिड और एंजाइम से तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिस्स हाइड्रोलाइज विद एसिड और एंजाइम्स एंड ब्रेक डाउन इंटू देयर कॉन्स्टिट्यूंट गैलिक एसिड एंड एलैजिक एसिड ये क्या है कि हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स जो हैं ये जो है ये एंजाइम uh, या एसिड के अटैक से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और गैलिक और एलैजिक एसिड देते हैं

राइट द बायोसोर्स एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ बेंजोइन एंड क्लोव क्वेश्चन जो है बेंजोइन क्या है बायोलॉजिकल सोर्स क्या बेंजोइन का इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द इंसाइज स्टेम ऑफ स्टायरेक्स बेंजोइन एंड स्टारेक्स टोंकिनेसिस दो टाइप के दो इसमें स्पीशीज हैं स्टायरेक्स बेंजोइन एंड स्टायरेक्स टोंकिनेसिस स्टाइरेक्स बेंजोइन है इसको सुमात्रा बेंजोइन भी कहते हैं और स्टायरेक्स टोंकिनेसिस को श्याम बेंजोइन कहते हैं और फेमिली स्टाइरेसी यहाँ केमिकल कॉन्स्टिटेंट्स की बात करें तो सुमात्रा बेंजोइन और स्टारेक्स बेंजोइन कंसिस्ट ऑफ फ्री एंड सिंडामिक फ्री बाल्समिक एसिड्स सिंडामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड्स ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड देयर एस्टर्स द मेजर कंस्टिटूं ऑफ श्याम बेंजोइन इज एस्टर कॉनी बेंजोएट। ये जो है श्याम बेंजोइन का है इसमें और वहीं जो है यूजिस के एक्सपेक्टोरेंट एंटीसेप्टिक कार्बिनेटिव स्टीमुलेंट एंड डरिक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं ये वो आपका जो है बेंजोइन बेंजोइन इज यूज एज एन एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव देन क्लोव क्लोव जो है ये बायोलॉजिकल सोर्स जिसका क्लोव कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफिल्स यूजैनिया कैरियोफिलस फेमिली मिलटेसी ये ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होती हैं और इसको लॉन्ग कहते हैं हिंदी में आपने देखा भी है लॉन्ग और डेंटल uh, में इसको बड़ा यूज होता है इसका डेंट टू थेक में जो है टूथ पेन में इसको यूज करते हैं तो क्लोव कंटेंस केमिकल कॉन्स्टिटुंस की बात करें तो क्लोव कंटेंस फोर्टी टू ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल द अदर कॉन्स्टिट्यूंट प्रजेंट आर यूजेनॉल एसटाइल यूजनॉल गैलोटेनिक एसिड एंड टू क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल्स एल्फा एंड बीटा कैरियोफाइलिन मिथाइल फरफ्यूरल गम रेजिन एंड फाइबर ये केमिकल कॉन्सटेंट्स होते हैं और क्लोव ऑयल हैज़ सिक्सटी टू नाइनटी परसेंट यूजेनॉल विच इज़ द कोज ऑफ इट्स एनेस्थेटिक एंड एंडिसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेन कंपाउंड है इसमें वो यूजेनॉल है क्लोव ऑयल में भी यूज जो है इसका क्लोव ऑयल इज़ यूज एज एन औरल एनास्थेटिक एंड टू डिस इनफेक्ट द रूट कैनाल्स जो रूट कनास जो होती हैं टूथ्स की टीथ की उसको डिसिनफेक्ट डिस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ओरल एनासेटिक है और यहाँ इसका जो मेन यूज़ है डेंटल इनालजेसिक एंड इन टूथेक दांत दर्द में टूथ पेन में इसको एज ए एज ए डेंटल इनालजेसिक यूज़ करते हैं और अदर यूज में एंटीसेप्टिक स्टिमुलेंट कार्बिनेटिव एरोमेटिक एंड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं लॉन्ग को क्लोव देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन तो इसमें जो मॉडर्न मेथड्स इसमें बताने हैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स में हैं इसमें जैसे कि सॉक्सलेट सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल एक न्यू टेक्निक है और जो है वाइडली यूज होता है दूसरा इसमें है सुपरक्रिटिकल फ्लूड एक्स्ट्रक्शन देन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्स्ट्रक्शन

एस्ट्रीजेंट कॉम्प्लेक्स फिनॉलिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट ऑरिजिन यूज स्पेशली इन टेनिंग लेदर एंड डाइंग टेक्सटाइल्स मैन्यूफैक्चरिंग इंक क्लैरिफाइंग वाइन एंड बियर एंड इन मेडिसिन तो ये टेनिस हैं ए सब्सटेंस डेट हैज़ ए टनिंग इफेक्ट वो सब्सटेंस जिसमें टेनिंग इफेक्ट होता है यहाँ हमने केमिकल टेस्ट जो है टेनिन्स के लिए इसमें हम देखें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कॉमन है बहुत गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट में क्या करते हैं ए पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन प्रीवियसली सो इन टू परसेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वॉश्ड विद डिस्टल वाटर इज प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ टेनिज फॉर फाइव मिनट्स यहाँ क्या करते हैं कि गोल्ड बीटर्स स्किन को हम लेते हैं जो कि पहले टू परसेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है इसको डिप करके कर रखा जाता है उसको वॉश करते हैं डिस्टल वाटर से उसको हम बाद में हम क्या करते हैं कि टेनिस के सोल्यूशन में हम रखते हैं पाँच मिनट के लिए तो इट इज़ देन वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर टू वन परसेंट फेरिस सल्फेट सोल्यूशन इसको फिर हम जो है इसको टेनिस सोल्यूशन में रखने के बाद में हम बाद में इसको डिस्टल वाटर से वॉश करते हैं और वन परसेंट फेरिस सल्फेट सोल्यूशन में उसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है कि ए चेंज ऑफ द कलर ऑफ गोल्ड बीटर्स स्किन टू ब्राउन और ब्लैक इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ टेनिस्स इससे क्या होता है कि जो स्किन है इसका कलर जो है ब्राउन और ब्राउन और ब्लैक हो जाता है इसका मतलब है कि टेनिन्स आर प्रेजेंट ये हुआ गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट दूसरा टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर कैटेज मैचिस्टिक टेस्ट इसमें हम क्या करते हैं कि मैचस्टिक कंटेन्स लिगनिन मैच जो मैचिस्टिक होती है जो माचिस की तिली होती है उसमें लिगनिन होते हैं तो यहाँ क्या करते हैं डिप डिपे मैचस्टिक इन द डायल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग देन ड्राई मॉइस्टरिट विद the concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड warm इट नियर ऑफ फ्लेम यहाँ क्या करते हैं कि मैच स्टिक को लेते हैं और उसको हम क्या जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट है उसमें डिप करते हैं उसको ड्राई करते हैं और उसको हम कंसनट्रेटिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मॉइस्टन करते हैं उसको जो है हम उसको उसमें डिप करते हैं से उसको हम एंड वाम इट नियर ऑफ फ्लेम उसको हम फ्लेम के पास में उसको कुछ वाम करते हैं तो कैटेचिन इन द प्रजेंस ऑफ एसिड च स्टेज द लिग्निफाइड वुड पिंक और रेड तो जो इसका जो लिल लिल वुड है इसका इसका कलर जो है पिंक से रेड हो जाता है पिंक या रेड हो जाता है इसका मतलब टेनिज आर प्रजेंट ये है मैचिस्टिक टेस्ट है जो टेन के लिए इसको यूज करते हैं देन है फेनाजोन टेस्ट इसमें हम क्या करते हैं टू फाइव एम एल ऑफ एक्वासोल्यूशन ऑफ टेनिन कंटेनिंग ड्रग एड पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सोडियम एसिड फॉस्फेट then warm the solution cool and filter add 2% finazone solution to the filtrate all tannins are precipitated as bulky colored precipitate ye hum kya karte hain ki jo tannin containing drug hai uske 5% 5 ml aqueous solution mein hum 0.5 gram sodium acid phosphate add karte hain aur isko solution ko warm karte hain Warm करने के बाद में cool किया filter किया फिर इसमें जो टू परसेंट फिनाजोन सोल्यूशन जो है ऐड किया फिल्ट्रेट में तो ये टेनिस जो है वो बल्कि कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है देन है जिलेटिन टेस्ट यहाँ पे हम क्या कहते हैं टू वन परसेंट जिला सोल्यूशन एड लिटिल टेन परसेंट सोडियम क्लोराइड इफन परसेंट सोल्यूशन ऑफ टेनिन जिलेटिन सोल्यूशन टन कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ जिलेटिन फ्रॉम द सोलूशन ये टेस्ट हुआ देन है राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिटेंट ऑफ टी एंड टैक्सोल सबसे पहले टी क्या है चाय को आप जानते हैं इसके बारे में इट कंटेन्स प्रिपेयर लीव्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेंसिस फैमिली थिएसी यहाँ पे कि प्रिपेयर लीव्स जो आप जो घर में टी लीव्स यूज करते हैं जो इनको प्रिपेयर लीव्स कहते हैं ये जो है जो चाय की चाय बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये ये प्रिपेयर्ड लीव्स होती हैं ये प्रीपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ थिया फैमिली थिएसी केमिकल कॉन्स्टिटुएंट्स में आपको पता ही है कि जो चाय में सबसे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिटेंट होता है वो कैफीन होता है कैफ़ीन जो कि एक सीनस सी एन एस स्टिमुलेंट है और इसलिए हम जो चाय जो पीते हैं और रिफ्रेशमेंट uh, uh, हो, uh, हो जाता है वो सी एन एस स्टिमुलेशन की वजह से होता है तो यहाँ लीव्स आर ए रिच सोर्स ऑफ कैफीन वन टू फाइव परसेंट इट आल्सो कंटेन थियोब्रामीन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वान्टिटीज़ द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टेन इन टेन टू ट्वेंटी परसेंट गैलोटेनिक एसिड जो कलर होता है टी लीव्स का वो गैलोटेनिक एसिड एसिड की वजह से होता है एंड द एग्रीबल ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए येलो वोलेटाइल ऑयल और जो इसका ऑर्डर होता है जो एग्रीबल जो ऑर्डर होता है इसका जो स्मेल होती है इसकी तो ये क्या है ये येलो वोलेटाइल ऑयल की वजह से होता है देन हम देखें यूजेस जो है आपको पता ही है इसमें सी एन एस स्टूलेंट है तो एज एन एज स्टीव एज ए स्टिमुलेंट और एस्ट्रिंजेंट एंड ल्सो एज डाई यूरेटिक एक ये चाय जो है डाईरेटिक भी है देन है टैक्सोल टैक्सोल को जो है तेलिस पत्र कहते हैं और सुनानी uh, इसका यू के, के, भी कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स इट कन्सिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स बार्क एंड रूट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ टैक्स फैमिली टैक्से सी जिसमें कुछ स्पीशीज हैं जो uh, टैक्सोल मिलता है जैसे कि टैक्सस रेवी फोलिया पैसिफिक व्यू पैसिफिक यू फैमिली स्टेम बार यूज़ करते हैं टेक्सस कैनडेंज कैनडियन और अमेरिकन यू लीव्स एंड रूट्स टेक्सस बेकाटा यूरोपियन और इंग्लिश यू लीव्स यूज़ करते हैं इसकी टेक्सस कस्पी डाटा इसके जापानीज यू और लीव्स इसकी यूज़ करते हैं ये कुछ स्पीशीज़ हैं जिससे टैक्सोल मिलता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की हम बात करें यहाँ पे तो टैक्सस और यू ट्री कंटेन एल्कलॉइड कॉल्ड टैक्सेंस दैट हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी एंड आर द बेसिस ऑफ द सेमी सिंथेटिक एंटी कैंसर ड्रग पैकेटक्सल एंड डोसीटेक्सल ये क्या है कि बेसिकली टैक्सन जो है टैक्सोल जो, जो है ये क्या है ये जो है एंटी कैंसर है एंटी कैंसर है और कुछ सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो इससे बनती हैं जैसे कि पैकेटैक्सल और डोसीटेक्सल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट आर ट्राईसाइकलिक एंटी डिप्रजेंट ट्राई सॉरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स आर ट्राइसाइक्लिक डाइटरपीन्स विद टैक्सन न्यूक्लियस विद टैक्स टैक्सोसिन बेकेटिन थर्ड टैक्सीगिफिन टैक्सिन टैक्सोल और स्यूडो एल्कलॉइड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिंट्स इसमें भी इसमें होते हैं यूजेस आपको बताया मैंने कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है इट वॉज यूज टू ट्रीट ओवेरियंट ट्यूमर एंड अदर कैंसर्स देन क्वेश्चन नंबर टेन डिफाइन रेडियो ट्रेसर टेक्निक एनलिस्ट वेरियस डिटेक्टर्स यूज इन ट्रेसर टेक्निक रेडियो ट्रेसर टेक्निक ये क्या हैं कि ट्रेसर से नाम से इंडिकेट होता है कि ये जो रे मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं जो सेकेंडरी मेटाबलाइट्स बनाने के लिए मेटाबॉलिक पाथवेज़ यूज़ होते हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए इसको इन पाथवेज़ को यूज़ करते हैं इन टेक्निक को यूज़ करते हैं इसमें हम रेडियो एक्टिवाइस रोब्स यूज करते हैं जिससे कि हमें उस रूट का जिस रूट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उस रूट का पता लगाया जा सके उसको ट्रेस आउट किया जा सके तो ये क्या है इट कैन बी डिफाइंड एज ए टेक्निक विच यूटिलाइज ए लेबल्ड कंपाउंड टू फाइंड आउट और टू ट्रेस डिफरेंट इंटरमीडिएट्स एंड वेरियस स्टेप्स इन बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स एट ए रेट एंड टाइम इसमें कुछ डिटेक्टर्स यूज करते हैं जैसे कि गिगर मुलर काउंटर लिक्विड सिंटिलेशन टेक्निक एंड ऑटो रेडियोग्राफी ये कुछ डिटेक्टर्स यूज करते हैं देन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट शिकमिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे ये क्या है कि द शिकमिक एसिड पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी एरोटिक कंपाउंडस और बाई अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया फंजाई प्लांट्स एंड सम प्रोटोजोन्स ये क्या है कि सिकमिक एसिड पाथवे से जो है जो है बायोसिंथेटिक बायोसिंथेसिस होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं और द पाथवे इज यूज फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फोलेट्स एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स ट्रिप्टोफान एलानिन एंड टाइरोसिन ये सब अमीनो एसिड्स बनते हैं शिकमिक एसिड पाथवे से द दिकमिकमेट पाथवे लिंक्स मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टिक कंपाउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ सेवन मेटाबॉलिक स्टेप्स जो सात मेटाबॉलिक स्टेप्स इसमें होते हैं इसमें क्या है कि सबसे पायोवेट एंड इरेफेट्स आर कन्वर्टेड टू कॉरिसमेट एंड द प्रकर्शन ऑफ द एरोस एंड मैनी एरोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉस्फो इनोल पायुर्वेट एंड इर्थरोज फोर फॉसफेट से जो है कॉरसमेट बनता है और इस कॉरेस्मेट से जो है काफ़ी जो है एरोमेटिक एसिड्स और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स और कुछ जो है एरोमेटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं देन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फर्स्ट स्टेप में ये एल्डोल कंडेंसेशन होता है बिटवीन फास्फो इनोल पायरवेट एंड एरथरोज फोर फास्फेट यहाँ पे क्या है फास्फो इनोल पायरोट और एरेथरोज फोर फास्फेट में एल्डोल कंडेंसेशन होता है कैटलाइज बाय थ्री डी ऑक्सी डी एरेबिनो हैप्ट ट सेवन फॉसफेट सिंथेज डी ए एच पी टू सिंथ थ्री डी ऑक्सी डी एरेबिनो है फॉस्फेट यह बनता है देन सेकेंड स्टेप में क्या है ये सेकेंड स्टेप इज कैरीड आउट बाई थ्री डी हाइड्रोक्नेट सिंथेज डी एच यू सिंथेज टू गिव थ्री डी हाइड्रोक्नेट थर्ड स्टेप में क्या है थ्री डाई डी हाइड्रोशिकट बनता है कैटेलाइज बाई थ्री डी हाइड्रोकनेट डाई हाइड्रोजिनेज और डी एच किनेज से थर्ड स्टेप में डी हाइड्रोशिकीमेट बनता है और स्टेप फोर में इज कैटेलाइज बाई शिकीमेट डी हाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो शिकमेट डी हाइड्रोजिनेज कैटलाइलाइज करता है रिएक्शन को और ये बनता है शिकमेट बनता है इसमें स्टेप फोर में स्टेप फाइव और सिक्स में

ये इसमें इसका जो है आत्थे है क्या कि फॉस्फो इनोल पायरिक एसिड और इथ्रोस फोर फास्फेट से बनता है आपका इसमें टू कीटो थ्री डी ऑक्सी सेवन फास्फो डी ग्लूकोहैप्टोनिक एसिड देन इससे बनता है कि डी थ्री डी हाइड्रोकिनिक एसिड देन थ्री थ्री डी हाइड्रो एसिड और देन शिकमिक एसिड शिकमिक एसिड से बनता है कॉरेजमिक एसिड और कॉरिज्मिक एसिड से बनता है प्रीफेनिक एसिड वहीं जो है कॉरिज्मिक एसिड से जो है फर्दर स्टेप्स में एंथ्रोनिलिक एसिड और इसमें ट्रिप्टोफान बनता है जो है ट्रिप्टोफान जो कि अमीनो एसिड है और वहीं जो है प्रीफेनिक एसिड से जो फिनाइल पायरुविक एसिड फिनॉइल पायरुविक एसिड बनता है और यहाँ इससे बनता है फिनाइल एनलिन फिनाइल एलेनिन देन वहीं जो है दूसरे स्टेप में जो है पेरीफेनिक एसिड से पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पैरूमिक एसिड और इससे बनता है टाइरोसिन एक और जो है एसिड से टाइरोसिन बनता है ये हुआ शिकमिक एसिड बाथ हुए यहाँ हम इट्स नेम कम्स फ्रॉम जैपनीज फ्लोवर जापानीज़ फ्लावर शिकमी द जैपनीज स्टार हेलिशियम एनिस। एनिसेटम फ्रॉम विच इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन एटीन एटी फाइव बाई जॉन फेडरिकमेन द एलुसिडेशन ऑफ इट स्ट्रक्चर वॉज मेड नियरली फिफ्टी ईयर्स लेटर जो शिकमिक एसिड की जो है इम्पोर्टेंस पाथवे की दिकमिक एसिड पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एंड एरोमेटिकमिनो एसिड्स सच एज फिनाइल एलिन टाइरोसिन एंड एक्ट्रोफॉन इसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंस इसकी एक तो इसमें विटामिन बनते हैं एयर्मेटिक बनते हैं जैसे कि इसमें इट इज आल्सो विच आर कन्वर्टेड टू एन एरे ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स देन है क्वेश्चन डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ एच पी एल सी टेक्निक यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स एच पी एल सी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नाम से इंडिकेटर आता है इसमें जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ ए क्रोमेटोग्राफिक मैथड दैट इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंडस इन हर्बल और प्लांट ड्रग सो एज टू आइडेंटिफाई क्वान्टिफाई और प्योरीफाई द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ये एक सेपरेशन टेक्निक है हर्बल ड्रग्स को प्लांट ड्रग्स को हम उसको समय से कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को जो हम है हम सेपरेट आउट करते हैं देन the increasing popularity in plant based drug is leading to a fast growing market for plant based drug pharmaceuticals nutraceuticals functional foods and even cosmeceuticals then standardization uh, standardization of herbal drugs involves both botanical including macroscopic or microscopic identification and chemical standardization ये सब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एच नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स इंक्लूड्स फिजिको केमिकल एंड फाइटो केमिकल इवेल्यूएशन इंक्लूडिंग क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग ओवर द पास डिगेड्स एच पी हैज़ रिसीव्ड द मोस्ट एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द एनालिसिस ऑफ हर्बल मेडिसिन रिवर्स फेज कोलम मे बी द मोस्ट पॉपुलर कोलम्स यूज टू एनालिटिकल in the analytical separation of herbal medicines. Then preparative and analytical HPLC are widely used in pharmaceutical industry for isolating and purification of herbal compo compounds. They are basically two types of preparative HPLC low pressure HPLC typically under 5 bar and high-pressure HPLC pressure jo hai more than 20 bar. The, importance, the important parameters to be considered are resolution sensitivity and fast analysis time in analytical hplc whereas both the degree of solute purity as well as the amount of compound that can be produced per unit time that is throughput or recovery in preparative hplc in preparative hplc pressure you more than 20 power larger स्टेनलेस स्टील कॉलम इसमें होते हैं एंड पैकिंग मटेरियल्स पार्टिकल साइज़ टेन टू थर्टी माइक्रोमीटर आर नीडिड द एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल फेज सिलिका कॉलम्स आर क्रोमासिल टेन माइक्रोमीटर एंड क्रोमासिल सिक्सटीन माइक्रोमीटर एंड चिरासिल चिरसिल एस ट्वेंटी माइक्रोमीटर वेर एज़ फोर रिवर्स फेज आर क्रोमासिल सी एटीन क्रोमासिल सी एट ymc c18 and the aim is to isolate or purify compounds in analytical work the goal is to get information about the sample this is very important in pharmaceutical industry to of today because new products natural or synthetic have to be introduced to the market as quickly as possible then ha having अवेलेबल सच ए पावरफुल प्यरिफिकेशन टेक्नीक मेक्स इट पॉसिबल टू स्पेंड लेस टाइम ऑन द सिंथेसिस कंडीशन तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं एच पी एल सी के एच पी एल सी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं एच पी एल सी ऑफ पॉलीफिनोल्स मोस्ट ऑफ द हर्बल मेडिसिन एंड फूड आइटम्स लाइक ग्रेप्स एंड वाइन्स कंटेन रेंज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंटफिनिक्स एच पी एल सी इज द मैथड ऑफ चॉइस फॉर द एनालिस ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड्स especially because of its extremely high versatility, precision, and relatively low cost involved in the analysis. The most frequently preferred method in on-reverse-phase C18 columns, a binary solvent system containing acidified water, a polar organic solvent, acetonitrile or methanol, and UV visual DAD, uh, which consist, constitute a Crucial and reliable tool in the routine analysis of plant phenolics. Kuch examples HPLC of uh, Furocomarines. The HPLC photodiode array methods for the estimation of Furocomarines uh, furo has been applied for quality control and standardization of, uh, of uh, Heraclium, can uh, candy cans. Heraclium candy candicans. द एक्सट्रक्शन सॉल्वेंट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग आउट द एक्टिव सेकेंडरी मेटाबलाइट बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल दैन सेलेक्शन ऑफ कॉलम कॉलम कॉलम्स यूज इन द एच पी एल सी प्ले वाइटल रोल एज द एफिकी एफिशंसी ऑफ सेपरेशन एंड रिजोल्यूशन द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द मार्कर्स तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें क्योंकि क्वेश्चन जो है दस नंबर में पूछा गया है एप्लीकेशन जो है तो इसलिए आपको इतना मैटर आपको देना ही होगा क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको जो है आंसर देना है जिससे कि आपको उसमें उससे सफिशेंट मार्क्स मिल सके देन है इलस्ट्रेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स कोलिन कैफिन सबसे पहले फोर्स कोलिन फोर्स कोलिन जो है ये फोर्सकोली ट्यूबर्स आर कलेक्टेड वॉश एंड ड्राइड जो कोलियस फोर्स कोली जो जिससे फोर्स कोली हाँ आइसोलेट करते हैं इसको सबसे ट्यूबर्स को इनको कलेक्ट करते हैं वॉश करते हैं ड्राई करते हैं आफ्टर ड्राइंग द ट्यूबर्स आर पल्वराइज इन टू ग्रैन्यूल्स इसको पाउडर करेंगे दैन इसके बाद बाई यूजिंग रूटीन मेथड्स होल फोर्स कोल एक्सट्रैक्टेड इन क्रूड फॉर्म यूजिंग मेथेनॉल एज सॉलवेंट उसके बाद हम क्या करते हैं कि फोर्स कोली को जो है हम जो है मिथिनोल के से हम उसे एक्सेट करते हैं और मिथिनोल एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलता है उसको कंसनट्रेट करते हैं एंड क्लोरोफॉर्म इज एडिड टू द कंसनट्रेट एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडिड टू द सेपरेटिंग फनल एंड शेक वेल हम क्या करते हैं इसको क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं और उसमें इक्वल वाटर ऐड करते हैं उसको सेपरेटिंग फनल में इसको जो है डाल करके वो शेक करते हैं अच्छे से और अलाउ टू सेटल एंड सेपरेट द क्लोरोफॉर्म लेयर रिपीट द वाटर ट्रीटमेंट टू और थ्री टाइम्स

5 micrometer particle size weigh, uh, waters and at ambient temperature. The mobile phase consists, consists of water and acetonitrile at low rate of 0.5 ml per minute. The gradient illusion was 50a upon 50b and 250a uh, to 57b uh, in 10 minutes. Hold at 43a, uh, for 47. फोर टेन मिनट्स ईच रन वॉज फ़ॉलोड बाई फाइव मिनट वॉश विद मिथेनॉल एंड एन इक्विली बेरेशन पीरियड ऑफ टेन मिनट द डिटक्शन वेबलेंट वॉज टू हंड्रेड टेन नैनोमीटर एंड द इंजेक्शन वॉल्यूम वॉज फाइव माइक्रोलीटर ये एस्टिमेशन है कोलिन का दैन यूज इज यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन जो है फोर्सकोरिन इज ए हर्बल सप्लीमेंट हर्बल सप्लीमेंट विच कैन बी यूज एज ए नेचुरल रेमिडी फॉर ट्रीटमेंट इन कैंसर ओबेसिटी ग्लूकोमा एलर्जीज एंडस्थमा हार्ट फेलियोर इंडस्टनल स्पाज पेनफुल क्रैम्प ड्यूरिंग योर पीरियड डिस्मिनोरिया इरेटेबल बाउल सिंड्रोम यूरनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हाई ब्लड प्रेशर हाईपर टेंशन चेस्ट पेन एंजाइना डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप इंसामिया एंड कन्वर्जेंस इन सब में इसका यूज होता है फोर्स कौरिन काफिन कैफीन का आइसोलेशन प्रोसीजर क्या है हम क्या करते, है? करते हैं कॉमर्शियल टी लीव्स लेते हैं प्लस ट्वेंटी ग्राम उसमें हम ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ट्वेल्व ग्राम एंड तीन सौ एम एल वाटर थ्री हंड्रेड एम एल वाटर इसी बीकर में इसको हम मिक्सचर इज टेकन इन बीकर इन फाइव हंड्रेड एम एल कैपेसिटी एंड बॉइल्ड फॉर ट्वेंटी मिनट्स इसको हम मिक्सचर को एक पाँच सौ एम एल कैपेसिटी के बीकर में डाल के इसको बॉयल करते हैं बीस मिनट के लिए बॉयल करने के बाद में उसको cool cool कूल एंड फिल्टर कूल किया उसको फ़िल्टर कर लिया फिल्टर करने के बाद हम क्या करते हैं कि फिल्ट्रेट इज ट्रांसफर टू सेपरेटिंग फनल फिल्ट्रेट को सेपरेटिंग फिनल में ट्रांसफर कर दिया एंड एड टेन एम एल डाइक्लोरोन इज एडिड टू फिल्ट्रेट थ्री टाइम्स एंड एजिटेट द सेपरेटिंग फिनल जेंटली अब जो है इसको आ, इसमें हम डाइक्लोरोथिन एड करते हैं और हम जो है डाइक्लोरोथिन लेयर को सेपरेट करते हैं फिर हम ऐसे ही हम तीन बार कम से कम करते हैं और तीन बार हम डाइक्लोमिथिन को सेपरेट करते हैं और डाइक्लोरोन जो एक्स्ट्रैक्ट है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं Then separate the dichloromethane layer or extract, then dichloromethane layer or extract combined and poured in a petri dish. हम इसको petri dish में डाल लिया और उसको petri डिश को हम क्या करते हैं कि कवर करते हैं किसी फॉइल पेपर से और उसमें थोड़ा सा जो है पोरस उसको पोर्स हम उसमें कर देते हैं फॉइल में छेद कर छे, छेद करते हैं छोटे छोटे से उसमें तो क्या होता है कि वापरेट द सॉलवेंट एंड वाइट नीडल शेप क्रिचर्स ऑफ कैफीन अपियर्ड इसमें क्या होता है कि हमें कि वाइट कलर के शेप क्लियर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं कैफीन के एस्टिमेशन एस्टिमेशन बाय आयोडोमेट्रिक ब्लैक हाइट्रेशन तो आयोडोमाइट्रिक ब्लैक हाइट्रेशन कैफीन रिएक्ट विद एक्सेस एक्यूरेटली नोन अमाउंट ऑफ आयोडीन इन एसिडिक इन्वामेंट फॉर्मिंग इन्सॉलिबल प्रेसिपिटेट देन द इसोलिबल प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड बाई फिल्ट्रेशन यूजिंग टाइट्रेशन बाई ए स्टैंडर्ड सोडियम थायरोलफेट सोल्यूशन विद स्टार्च सोल्यूशन एज इंडिकेटर वी कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आइडीन एंड दस द अमाउंट ऑफ कैफीन कैन बी फाउंड यहाँ हम देखें सोलेंट यूज और बेस यूज एंड ईल्ड यहाँ पे डाइक्लोर मीथिन एसिटोन और इथेनॉल और बेस इसमें यूज किया सोडियम कार्बोनेट से तो यहाँ अलग अलग ईल्ड हमें मिलती है प्योर कैफिन की जैसे कि हम डाकलोरम इथेनम यूज़ करते हैं तो हमें सिक्स मिलीग्राम जो है मिलता है हमें और एसीटोन जो है ये थ्री पॉइंट जीरो सिक्स टू थ्री एंड इथेनॉल से हमें जो है फोर पॉइंट टू एट फाइव सेवन मिलीग्राम जो ये हमें जो ईल मिलती है कैफीन की यूटिलाइजेशन कैफीन का यूज़ आपको पता ही है कैफिन वर्कस एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस स्टीमुलेंट है हार्ट मसल एंड से, सेंटर्स दैट कंट्रोल ब्लड प्रेशर कैफ़ीन इज मेनली यूज टू इम्प्रूव मेंटल एंड अटेंटिवनेस मेंटल अटेंटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं कैफिन को बट इट हैज़ मैनी अदर यूजेज इट इज़ आल्सो यूज विद पेन किलर्स फॉर हैडक एंड प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग हैड एक्स आफ्टर एपिड्यूरल एनेस्थीशिया सम पीपल कैन यूज सम पीपल यूज़ कैफीन बाई माउथ फॉर अस्थमा गॉल ब्लैडर डिजीज अटेंशन डेफिसिट हाईपरसेंसिटिव डिसऑर्डर एंड ऑबेसिटिव कंपल्सि डिसऑर्डर्स इन सब इसका कैफीन का यूज होता है देन है इसमें एक्सप्लेन आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन एंड पोडोफिल्डोटॉक्सिन सबसे पहले एट्रोपिन का आइसोलेशन एट्रोपिन जिसका मोरिकलर फॉर्मूला है सी सेवेंटीन एच ट्वेंटी थ्री एनओ थ्री ये क्या है एक्ट्रोपिन एल्कोलॉइड है और इसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं एट्रोपा बेलाडोना से एस्ट्रोपा एट्रोपा बेलाडोना दतोरास्ट्रामोनीम एंड हायोसियमस नाइगर ये तीन प्लांट्स हैं जिससे है एट्रोपिन को आइसोलेट किया जाता है फैमिली सोलेनेसी यूज़ क्या है एट्रोपिन एक एंटी कॉरिजिक ड्रग है ये मिड्रिएटिक है जो पिपल है आई में जो पिपल है उसको डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं मिड्रिएटिक है और ये एक और इसका यूज है एंटीज एंटीडोट इन ओपीएम पॉइजनिंग ये आप देखें इसका स्ट्रक्चर है एट्रोपिन का ये दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन देन आइसोलेशन आइसोलेशन में हम क्या करते हैं कि पाउडर्ड ड्रग को हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से और एक्सट्रैक्ट विद ईथर ईथर के साथ इसको एक्सट्रैक्ट हम करते हैं देन फिल्टर कर दिया हमें फिल्ट्रेट मिला और मार्क मिला मार्क हैज बिन डिस्कार्डेड हम फिल्ट्रेट में हम क्या करते हैं एसिडिक एसिड इसको एड करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट विद

पोडोफिलोटॉक्सिन ये क्या है एक लैक्टोन रेजिन है ऑप्टेन फ्रॉम राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ पोडोफिलम हेक्सेंड्रम पोडोफिलम रेजिन जो है और पेडोफिलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफिलम इमोडी फैमिली बर्बरडेसी इसे मिलता है और जो पोडोफिलम का जो यूज है बेसिकली क्या है एक एंटी कैंसर ड्रग है और इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड लंग कैंसर इसमें ओडोफिलोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है दिस वन आइसोलेशन आइसोलेशन हम देखें कि पाउडर्ड रूट ऑफ पोडोफिलम को हम जो है एक्सट्रैक्ट विद सेवेंटी परसेंट एल्कोहल इन सॉक्सलेट then concentrate concentrate extract up to syrupy consistency and then cool below 10 degree centigrade then add acidified water 100 ml water plus 10 ml hcl mm -hmm. at 5 degree centigrade temperature with stirring and then allow to stand for two hours then filter under vacuum then wash residue with acidified water and we get podophyllum resin extract boiled with alcohol and benzene filter एंडनेस एंड वी गेट पोडोफिलोटॉक्सन आइसोलेशन प्रोसीजर हुआ पोडोफिलोटॉक्सन का देन है नेक्स्ट क्वेश्चन दूटिकोर्स थेमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम एंड डिजिटलिसम सबसे पहले ओपीएम ओपीएम रो ओपियम भी कहते हैं इसको जो सुनानी में गम ओपीएम और अफीम भी इसको कहते हैं ओपीएम को देन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका ओपीएम इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स अपडेन बाई इनसीजन फ्रॉम द अनराइव कैफ्यूल ऑफ पेपावर सेवनी ये क्या है कि एक मिल्की लेटेक्स है जो कि पेपावर सोमनीफेरम के अनराइव कैफ्यूल से मिलता है फैमिली पेपावेरे ओ पी एम इज रिक्वायर्ड टू कंटेन नॉट लेस देन टेन परसेंट ऑफ मॉर्फिन एंड नॉट लेस देन टू परसेंट ऑफ कोडीन द थीबेन कंटेंट इज लिमिटेड टू थ्री परसेंट ये इसमें मॉर्फिन कोडीन और थीबेन का कंटेंट है केमिकल कंस्टेंट्स की बात करें तो इसमें मेन केमिकल कंपाउंड जो होता है इसमें ये होता है मॉर्फीन होता है इसमें टेन टू सिक्सटीन परसेंट तो ओपीएन कंटेंस अबाउट थर्टी फाइव एल्कोलाइड्स अमंग विच मॉर्फीन टेन टू सिक्सटीन परसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस द एल्कोलाइड इज बे इज कम्बाइंड विद मेकोनिक एसिड देन द अदर अल्कोलाइड आइसोलेटेड फ्रॉम ड्रग आर कोडीन पॉइंट एट पॉइंट फाइव परसेंट नारकोटीन थीबेन पॉइंट फाइव टू टू परसेंट नॉस्कैपिन फोर टू एट परसेंट नार्सिन एंड पेपावेरिन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव परसेंट ये एल्क्स इसमें होते हैं मॉर्फिन कंटेन ए फ्रीन न्यूक्लियस देन द लेटेक्स मेनली कंटेन मेनली द एल्क्स ड्राइव फ्रॉम फिनाइल एलानीन एंड टाइरोसिन अमीनो एसिड्स केमिकली दे आर प्लेसड अंडर बैनजाइल आइसोकिनोलिन फॉर एग्जाम्पल नाकि नाकोटीन एंड नार्सिन एंड पेपावेरिन एंड फिनेथिन टाइप एल्क्लॉयड्स तो बेन्जाइन आइसो बैनजाइल आइसोकिनोलिन एल्क्इड्स में नारकोटीन नार्सिन एंड पेपावेरिन है और फिनाथिन टाइप ऑफ एल्कोइड्स में एग्जाम्पल है मॉर्फिन कोडीन एंड थीविन ये कुछ स्ट्रक्चर भी हैं पेपावेरिन और दिस वन पेपावेरिन और ये है आपका मॉर्फिन मॉर्फिन एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर आर वन इजल टू आर टू इजकल टू ओ एच है यहाँ पे तो ये मॉर्फिन देन आर वन जो है ओ ए सी एच थ्री एंड आर टू इज ओ एच देन कोडीन आर वन और आर टू जो है दोनों अगर जो है सी ओ ओ सी एच थ्री हीरोइन और डाई एस्टाइल मॉर्फिन केमिकल टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है केमिकल टेस्ट जो कि मॉर्फ मॉर्फिन के लिए होता है वो मैकोनिक एसिड टेस्ट मैकोनिक एसिड टेस्ट इसमें क्योंकि उसमें मैकोनिक एसिड इसमें होता है कंबाइंड फॉर्म में होता है तो ओपीएम को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में एंड देन फिल्टर फिल्टर को फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट में हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हैं तो डीप पर्पलिश रेड कलर आता है दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेकोनिक एसिड यूजेज यूजेज में जो है मॉर्फिन का जो यूज है बेसिकली पोटेंट एनालैसिक है पोटेंट एनालैसिक है नार्कोटिकलजेसिक है कोडीन जो है कफ सब प्रजेंट है कफ सब प्रजेंट है एंटीटिव है सप्रेस कफ सेंटर इन द ब्रेन देन पेपावेरिन रिलैक्स स्मूथ मसल एंड यूज इन बॉन्क अस्थमा नारकोटीन विप्रेस कफ रिफ्लैक्सिस ये इसके यूजेज हैं दूसरी ड्रग है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस को फोक्स ग्लो भी कहते हैं पर्पल फोक्स ग्लो और फोक्स ग्लो लीव्स बायोलॉजिकल सोर्स में हम बात करें तो डिजिटेलिस कंसिस्ट ऑफ ऑफ ड्राइड लीव्स डिजिटेलिस परप्यूरिया ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स फैमिली स्क्रो यहाँ क्या है कि क्योंकि जो डिजिटेलिस लीव्स हैं अगर उनको जो है सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा पर उसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं या ड्राई करते हैं तो उसका डिगॉक्सिन कंटेंट है वो डिग्रेड हो जाता है इसलिए क्या है कि सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम पर इसको जो है ड्राई करना होता है जिससे कि डिगॉक्सिन कंटेंट डिग्रेड ना हो ये जो है और बेसिकली जो डिजिटल इस परपीरिया से मिलता है डिगॉक्सिन ये है इसका आ, सोर्स है वहीं हम देखें केमिकल कॉन्सीटेंट्स डिजिटेलिस लीव्स कंटेंस पॉइंट पॉइंट टू टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट ऑफ बोथ प्राइमरी सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स यहाँ परपीरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड परपीरिया ग्लाइकोसाइड बी एंड ग्लूको आर द प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स वहीं जब परपीरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन फ्रेश लीवस एंड बाई देयर हाइड्रोलिस डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज और जिटोक्सिन एंड ग्लूकोज आर रेस्पेक्टिवली देन डिजीटॉक्सिन ईल्स ऑन हाइड्रोलिसिस एंड डिजीटॉक्सीजेनिन एंड थ्री डिजिटॉक्सोज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिस हम करते हैं अगर पर्पीरिया ग्लाइकोसाइड ए का तो डिगोक्सिन और ग्लूकोज मिलता है और डिजिटॉक्सिन ग्लूकोज और डिजिटॉक्सिन के हाइड्रोलिसिस से जिटोक्सीजेनिन प्लस थ्री डिजिटॉक्शोज मिलता है वहीं परपीरिया ग्लायोक्साइड बी एनजामिस जिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोजॉक्सिन गिवस जिटॉक्सीजनिन प्लस थ्री डिजिटॉक्शोज वही हम देखें इसमें यूजिस वाइडली यूज हर्बल मेडिसिन विद ए रिकोगनाइज स्टीमुलेटरी इफेक्ट अपॉन द हार्टे क्या है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है और रेट ऑफ हार्ट जो फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ऑफ हार्ट को ही इनक्रीज करती है तो द इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज सी एच एफ में इसको यूज करते हैं इट इज ऑल्सो बीन इम्प्लॉय इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल हेमरेज इन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन डेलीरियम ट्रीमेंट एंड इन इपिलैपसी इन एक्यूट मैनिया एंड वेरियस अदर डिजीजे इन सब में इसका जो है यूज होता है डिजिटल इसका देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्विनिन, क्विनिन जो क्विनिन जो है ये भी कैल्कोलाइड है जो कि हमें एक जो है सिंकोना से मिलता है सिंकोना जो वो जीनस है उससे मिलता है ऑपडेंट फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना कैलिसाया सिंकोना लाइजरियाना सिनकोना सक्सी रूबरा एंड सिनकोना ऑफे फैमिली रोबियसी ये क्विनिन का स्ट्रक्चर है दिस वन देन आइसोलेशन पाउडर सिंकोना को हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर से देन रिफ्लेक्स विद बेंजीन, देन फिल्टर देन वी गेट हॉट फिल्ट्रेट, हॉट फिल्ट्रेट देन एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट्र सल्फरिक एसिड एंड वी गेट एल्कोलाइड बाईसलफेट्स दैन हीट एट नाइंटी डिग्री सेंडिग्रेट एंड एड सोडियम कार्बोनेट पी एच सिक्स पॉइंट फाइव विकेट एल्कोइडल सल्फेट्स एंड एड चारकोल बॉइल एंड फिल्टर एंड वी गेट कूल फिल्ट्रेट एंड कूल फिल्ट्रेट में से एक प्रेसिपिटेट क्विनिन सल्फेट प्रेसिपिटेट ऑफ क्विनिन सल्फेट यहाँ हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके हम हमें क्विनिन मिल जाता है क्विनिन देन कूल फिल्ट्रेट को जो फिल्ट्रेट है फिल्ट्रेट में क्विनिडीन सिंकोन सल्फेट एसेट्रा ये सब होते हैं ये हुआ आइसोलेशन टिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन identification. Identification में सबसे पहले इसमें क्या है थैलियोक्टेस्ट थैलियो क्विन टेस्ट में क्या करते हैं वीकली एसिडिक सोलूशन ऑफ क्वीन सोल्ट को हम ट्रीट करते हैं प्रोमिन वाटर से और अमोनियम अमोनिया से तो एमेरॉल्ड ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड एमेरॉल्ड ग्रीन कलर कलर प्रोड्यूसड दिस इज थैलियोक्टेस्ट देन एथर टेस्ट इथ्रोक्टेस्ट और रोज क्विन टेस्ट इसमें क्या है कि क्वीनिन प्लस डाइल्यूट एसिटिक एसिड प्लस ब्रोवीन वाटर प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन इसमें क्या होता है कि रेड कलर मिलता है रेड कलर में हम इसमें इसमें हम जब क्लोरोफॉम ऐड करते हैं तो क्लोरोफॉम लेयर बिकम रेड नेक्स्ट टेस्ट है हारपेथाइट टेस्ट इसमें जो है क्विनिन प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड प्लस आयोडीन सोल्यूशन इन इथेनॉल वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ आइड्रो इन ऑफ क्विनिन कॉल्ड हारपैथाइट ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं सिनगोना के लिए देन एनालिसिस एनालिसिस बाई थिन लेयर क्रमाटोग्राफी सैम्पल मिथेनॉलिक मोबाइल फेज इसमें यूज करें क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल अमीन नाइन पॉइंट सिक्स टू इस टू पॉइंट सिक्स के रेशियो में और स्प्रेइंग रेजेंट है ड्रैगन ड्रॉप्स रेजेंट कलर ऑफ बैंड ऑरेंज रेड होता है और आर एफ वैल्यूज़ की पॉइंट फोर सेवन एच पी एल सी बाई एच पी एल सी के uh, जो है एच पी हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड आइसोक्रेटिक और स्टेशनरी फेज सी एटीन एंड मोबाइल फेज में विथ एन ऑल वन एस्टो पॉइंट वन मॉल पर लीटर इज टू अमोनिया इज टू एसीटोन तो ये जो है दिस वन अमोनिया एंड एसीटोन फोटी फाइव टू फिफ्टी टू फोर्टी के रेशियो में दैन डिटेक्शन जो है करते हैं फ्लोरसेंस एट एक्सटिशन process at excitation to 325 nanometer emission 375 nanometer then uh, describe about industrial production and utilization of senosides and digoxin Kya senosite is a glycoside ऑबटेन फ्राम ड्राइड लीव्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया एंड कैशिया एंगस्टिफोलिया सेना जो है सेना से मिलते हैं ये और सेना जो है दो स्पीशीज इसमें यूज करते हैं बेसिकली कैशिया एक्यूटिफोलिया इसको हम एलेक्जेंड्रियन सेना भी कहते हैं और कैशिया एंगस्टिफोलिया इसको टिन्ना वेली सैना या इंडियन सेना भी इसको कहते हैं फैमिली लेग्यूमोसी द प्रिंसिपल एक्टिव कॉन्सिट्युएंस ऑफ सेना लिव्स एंड पोर्स इज सेनोसाइड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सैनोसाइड तो प्रिंसिपल केमिकल कंपाउंड में कैल्शियम सेनोसाइड्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें तो एक्सट्रैक्ट सेना लिव्स विद सेवेंटी परसेंट मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर दैन शेक फोर फोर आर्स एंड फिल्टर दैन कंसनट्रेट द फिल्टरेट टू वन बाई एट वॉल्यूम अंडर वैक्यूम एंड देन एडजस्ट पी एच विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिल्टर एंड फिल्टरेट इज एक्सट्रैक्ट विद एक्वस क्लोरोफार्म एंड देन न्यूटराइज न्यूटराइज विद अमोनिया एंड सेनोसाइड ये जो है स्ट्रक्चर हैं सैनोसाइड ए एंड सैनोसाइड बी देन एस्टीमेशन कॉलम्स एटीन मोबाइल फेज वन परसेंट एसिटिक एसिड इन वाटर एंड एसीटोनाइट्राइल एट्टी टू इस टू एटीन के रेशियो में फ्लोरेट वन एम पर मिनट डिटेक्शन एट थ्री फिफ्टीन नैनोमीटर मीटर यूटिलाइजेशन सेना जो है वो एंथ्राक्यूनिक ग्लाइकोसाइड है और इसका एक तो मेन यूज है परगेटिव है ये और ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में स्किन डिजीज में और एज एन एंथेलमेटिक

द ड्राइड लीवस ऑफ डिजिटेलिस परूरिया और डिजिटेलिस लेनाटा फैमिली स्क्रोफ्लेरिए सी स्ट्रक्चर जो है एक ये स्टोरेटल स्ट्रक्चर है स्टोर so, साइड है ये डिगॉक्सिन का स्ट्रक्चर नोट इसमें क्या है डिजिटेलिस लेनाटा इज यूज इन ए कमर्शियल सोर्स फॉर डिगॉक्सिन डिगॉक्सिन के लिए जो है बेसिकली जो कॉमर्शियल सोर्स है वो डिजिटेलिस लेनाटा ही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे कोर्सली पाउडर लीव्स इज एक्सट्रैक्टेड विद फिफ्टी परसेंट इथेनॉल एट लो टेम्परेचर एंड फिल्टर टू फिल्ट टू द फिल्ट्रेट एट लेड एसिटेट सोल्यूशन देन इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेटेड आउट देन सेंट्रीफ्यूज़ टू रिमूव द प्रेसिपिटेट देन कार्डिकाइड प्रेजेंट इन द सुपरिडेंट लिक्विड then extract with the chloroform then collect the chloroform extract then evaporate under dry uh, under vacuum then residue of cardiac glycosides are obtained and then purified by chromatography you get digoxin this is uh, an isolation procedure estimation estimation you have a calorimetric estimation डिकॉक्सिन एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद थ्री फाइव डाइनेट्रोबेंजोइक एसिड एंड बनजाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैन ब्लूइश रेड कलर इज फॉर्म्ड देन कलरीमेट्रिकली मेजर्ड एड फाइव हंड्रेड फिफ्टी नानोमीटर यूटिलाइजेशन डिकॉक्सिन आपको पता ही है कि ये एक हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर में इसका यूज करते हैं यू क्या आता है डिगोक्सिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ

ड्राइड पील्ड और अनपील्ड रूट्स एंड सोलन ऑफ ग्लिस ग्लैब्रा फैम वाइटी टिपिका स्पेनिश लिकोराइस दूसरा है इसमें ग्लिसा ग्लेब्रा वेराइटी ग्लैंडेरा फैमिली ये है रशियन लिकोराइस देन तीसरा है इसमें ग्लेश ग्लिस ग्लैब्रा वेराइटी वायोलेशिया ये पर्शियन लिकोराइस है फैमिली लेग्युविनोसी दैन चीफ केमिकल कम्पाउंड लिकोराइस में होता है दैट इज ग्लिसिन जो कि सिक्स टू एट परसेंट तक होता है विच इज़ फिफ्टी टाइम्स फ्वीटर दैन सुज सुज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये होता है वाइट क्रिस्टलिन पाउडर दैन ग्लिसिन कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लिसनिक एसिड ग्लिसरीजिक एसिड ये क्वेश्चन जीपेड में भी आया हुआ है जो ग्लिसरीजिन है उसमें जो है वो क्या होता है केमिकली जो केमिकल कंपोजिशन उसका है या केमिकल नेचर है वो है कैल्शियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लिसिक एसिड कैल्शियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लिस एसिड ग्लिसरिजिक एसिड ऑन हाइड्रोलिज ईल्स ग्लिसरिटिक और ग्लिसरिटिनिक एसिड देन ग्लिसनिक एसिड इज ए ट्राइ टर्पिनाइड सेपोनिन हैविंग एल्फा एमाइरिन स्ट्रक्चर द येलो कलर ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू द चालकोन ग्लाइकोसाइड आइसो लिक्विडिटिन येलो कलर जो ड्रग होता है इसका ये चालकोन ग्लाइकोसाइड की वजह से होता है जो कि आइसो लिक्विडिटिन है द ड्रग आल्सो कंटेन शुगर स्टार्च ट्वेंटी नाइन परसेंट गमन प्रोटीन फैट प्वाइंटी एट परसेंट रैजिन एस्पेराजिन टू टू फोर परसेंट एंड ट्रेस ऑफ टैनि इन द आउटर बार्क ऑफ द रूट येलो कलरिंग मैटर एंड पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ऑफ फोर्टाइल ऑयल ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं इसके जो है और यूजेस स्वीटनिंग एजेंट है यूजेस स्वीटनिंग एजेंट इन ब्रांकल प्रॉब्लम सच एज ब्रोंकाइटिस कोल्ड फ्लू एंड कफ्स एंड हैज़ एन एक्सपेक्टोरेंट एक्शन ग्लिसरीज़ा इज आल्सो इफेक्टिव हेल्पिंग टू हेल्पिंग टू रिड्यूज फीवर्स इफेक्ट लाइक एस्पिरिन एंड इट मे हैव एन एंटी बैक्टीरियल एक्शन एज वेल देन नेक्स्ट ड राफिया राहुल्फिया सर्पगंधा इसको कहते हैं सर्पगंधा और चंद्रिका और छोटा चांद और इंडियन स्नैक रूट भी इसको कहते हैं जो बायोलॉजिकल सोर्स है राहुल्फिया का तो राहुल्फिया कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइड रूट्स ऑफ राहुल्फिया सर्पनटाइना फैमिली अपोसाइनेसी जो केमिकल कांस्टिट्स इसमें हैं राहुल्फिया कंटेन्स अबाउट पॉइंट सेवन टू टू पॉइंट फाइव फोर परसेंट टोटल एल्क्टल बेस

एजमेलिन एट एजमेलिसिन जो है एट योहम्बिन दैन सरपेंटीन सरपेंटिन टेट्राहाइड्रो रिजर्पिन और रोबेसिन और रिजर्पिन आइसो एजवेलिन एंड योहम्बिन ये कुछ और भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इसमें मिलते हैं जो मेन केमिकल कंपाउंड से बेसिकली है वो है रिजर्बिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है यूज राफिया जो है एक बेसिकली ये हिप्नोटिक यूज हो जाती है जिसकी फेज यूज एज सेडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर इंसैनिटी रिड्यूज ब्लड प्रेशर एंड क्योर्स पेन ड्यू टू अफेक्शंस ऑफ द बाउल्स इट इज गिवन इन लेबर्स टू इंक्रीज यूटराइन कॉन्ट्रक्शन लेबर पेन लेबर वगैरह में इसको यूज करते हैं टू इंट्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड इन सर्टेन न्यूरोसाइकिएट्रिक डिसऑर्डर्स एजमेलिन विच हैज़ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू दोनीडीन इज मार्केटेड इन जापान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिदमियाज तो ये क्वेश्चन पेपर हुआ आपका दो हज़ार इक्कीस बाईस का आप इनको देख लें हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन इस बार भी इसमें लग जाएं। i uh, wish you all the best for exam thank you